देखिए बच्चों, आज आपको बताया जाएगा कि दर्शाइए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको कैसे क्या लिखना है, तो सबसे पहले आप लिखोगे माना 5 - √3 क्या है ये अपरिमेय संख्या। क्या लिखोगे, माना 5 - √3 एक प्रमेय संख्या है, ठीक है। फिर लिखोगे 5 - √3 बराबर P/Q और P और Q जो है क्या होगा, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, ठीक है। आप समझो, इसमें हम क्या करेंगे, PQ को इधर ले आएंगे और 3 को यहीं पे छोड़ देंगे, ठीक है। लिखेंगे PQ, या 5 पहले लिख लो, लिखो 5, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का होगा, तो माइनस का चिन्ह हम आगे लगा दे रहे हैं, यहाँ पे हम लिख देंगे P/Q, ठीक है। और इधर हमारा रहेगा -√3, ठीक है। तो ये वाली जो संख्या हमारी है ये क्या है बताओ, और ये वाली इधर वाली है ये क्या तो हम लिखेंगे 5 और P/Q क्या है, प्रमेय संख्या है, प्रमेय संख्या है। तो -√3 भी प्रमेय संख्या होगी, 3 भी प्रमेय संख्या होगी। ठीक है, जो इसके पहले अभी हमने माना था, परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होगा, क्या लिखोगे, परंतु इस तथ्य से लिखोगे परंतु तथ्य का इस तथ्य का विरोधाभास होगा, इस तथ्य का विरोधाभास होगा, विरोधाभास होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारी कल्पना गलत है, लिख दोगे 5, अतः 5 √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ये जो है, इस तरीके के भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, या तो ये आएंगे √3 या 4 या 5, ये पूछ लिया जाएंगे, 4 नहीं होगा, 2, 3 और 5 होते हैं, 7 होते हैं। या तो इसकी जगह पे तुम्हारा पूछा जा सकता था कि 2 √3, क्या पूछा जा सकता था, और
इसकी जगह पूछा जा सकता है 2√3, तो ये भी आपका इसी तरीके से लगेगा। ठीक है, फिर से करके देखना।